जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आप लोग का स्वागत है अपना ही YouTube चैनल जॉब्स फॉर में। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताने वाला है कि एपी अरुणाचल प्रदेश एसएसबी ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे भरना है। फॉरेस्ट गार्ड का जो वैकेंसी आई थी स्टेप बाय स्टेप करके बताएंगे। अगर आप 10वीं 12वीं पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपको घर बैठे आप फ़ोन से ही फॉर्म भर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने भर के प्रिंट आउट आपको दिखाया हुआ है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं। उससे पहले आपको बताते हैं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि किसी वैकेंसी के बारे में सबसे पहले अपडेट मैं इस चैनल पर लाता रहता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले आपको आ जाना इस पेज पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और इस पेज पर डायरेक्ट आ जाइएगा। यहाँ पर आने के बाद देखते हैं फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ में देखने को मिल जाएगा। 7 फरवरी 2020 यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आपको सिंपली इसी पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आप इसके पेज पे आ जाएंगे अप्लाई ऑनलाइन वाले। यहाँ पे आने के बाद आपको अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और जैसे यहाँ पे देख सकते हैं होम और रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा और लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप पहली बार आएँ तो आपको सबसे पहले रजिस्टर न्यू कैंडिडेट पर क्लिक करके रजिस्टर करना होगा, उसके बाद आगे फॉर्म भरना होगा। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी सारे जो पोस्ट हैं, सारे पोस्ट मैंने इस पर पहले से वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। या इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी क्लिक करके आपको इसको देख सकते हैं। तो सिंपली सबसे पहले मैं आपको आना है और यहाँ पर आपको रजिस्टर न्यू कैंडिडेट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड देखने को मिल जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश देख सकते हैं। और जैसे ही नीचे आएंगे यहाँ पे आपको कैंडिडेट का नाम, यहाँ पे फर्स्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम आपको फिल करना होगा, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स टाइप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, कौन देंगे, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या जो भी है या अदर कोई भी आपके पास कार्ड हो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे वो कार्ड नंबर लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे आपको अपना कैटेगरी फिल करना होगा कि आपका APST से है या नॉन APST से है, यहाँ से आप कर दीजिएगा। तो नॉन APST मैं कर देता हूं। उसके बाद यहां से आकर अपना जेंडर चूज करना होगा, अपना जेंडर भी यहां से चूज कर सकते हैं। उसके बाद जैसे नीचे आएंगे यहां पे आपको अपना स्टेट चूज करना होगा। मैं यहां बिहार से हूं तो मैं बिहार यहां पर सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद यहां पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे टाइप कर देना। मैं बिहार में सिवान से हूँ, यहाँ पे सिवान में टाइप कर दूंगा। उसके बाद जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे आपको एक पासवर्ड बनाना होगा, यहाँ पे फिल करना होगा और यहाँ पे पासवर्ड आपको डालना होगा। जैसा पासवर्ड आपका नाम है तो आपका नाम लिख देना है। उसके बाद @1 2 3 कर सकते हैं या कोई भी अंक, कोई भी नंबर डाल सकते हैं। तो चलिए मैं फटाफट इसको फिल करके और मैं आपको आगे बताता हूँ क्या करना होगा। तो फ्रेंड जैसे मैंने आपको बताया सब चीज़ यहाँ पे फिल कर लिया और सिंपली यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक कर लूँगा। जैसे रजिस्टर पर क्लिक करूँगा ये पेज रजिस्टर हो गया। देखिए मैंने पासवर्ड भी मेरा मैच हो गया है, मैंने पासवर्ड भी अपना फिल कर लिया है। मैं बिहार से हूँ और मैं ये आपको जनरल से फिल करूँगा। तो यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक किया, देखिए मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है, मुझे यहाँ पर मैसेज भी आ गया जैसे देख सकते हैं। और यहाँ पर रजिस्टर मेरे मोबाइल नंबर पर मैसेज भेज दिया गया है और वेरिफिकेशन कोड भी आ गया है। मैं आगे आपको दिखाता हूँ इसका काम पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको आपका एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे देखने को मिल गया और मोबाइल नंबर पर जो कोड गया है यहाँ पे आपको फिल करना होगा और यहाँ पे आपके मेल पे जो कोड गया है वो फिल करना होगा। दोनों कोड मैं अभी चेक करता हूँ, अपने मेल और मोबाइल दोनों। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 300 सेकेंड से पहले आपको फिल करना होगा। तो चलिए मैं फटाफट चेक करता हूँ, फिल करके आगे आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड जैसे देख सकते हैं मेरे मेल पे भी यहाँ पे मैसेज आ गया है, मैं इसको भी फिल कर लूँगा। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन आईडी नंबर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ पे आपका पासवर्ड। जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन जो कोड है वो देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं फटाफट आगे फिल करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने मोबाइल का कोड फिल कर लेता हूँ और पेस्ट कर लिया। और चलिए मैं मेल का भी पेस्ट करके आगे फिल करता हूँ।
तो फ्रेंड जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, जो मेरे मोबाइल पे गया था, जो मेरे मेल पे गया था, दोनों कोड को यहाँ पे फिल कर लिया है। अगर आपका कोड नहीं गया तो यहाँ पे रीसेंड कर सकते हैं, लेकिन मेरा कोड चला गया था, मेरा जो कोड है चला गया था। मैं वेरीफाई कोड पर क्लिक करूँगा। जैसे ही वेरीफाई कोड पर क्लिक करूँगा, देखिए मोबाइल नंबर का कोड यह वेरीफाई हो गया मेरा, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और सिंपली आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड जो आप फिल किए थे डालकर लॉगिन करके आपको आगे फॉर्म फिल करना होगा। तो चलिए मैंने यहाँ पे अपना मेल और पासवर्ड दोनों फिल कर लिया, सिंपली लॉगिन पर क्लिक करूँगा। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करूँगा, मेरा जो पेज है मेरे सामने लॉगिन होकर आ जाएगा। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा बहुत सारे ऑप्शन, यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी और प्रोविजनल आईडी यहाँ पर, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट ऑप्शन बहुत सारे देखने को मिल जाएगा। और सिंपली आपको यहाँ पे लॉगआउट का और डैशबोर्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे डैशबोर्ड वाले जो थ्री लाइन है आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको आपके सामने साइड में कुछ ऐसा हो डैशबोर्ड सेलेक्ट पोस्ट और लॉगआउट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको सेलेक्ट पोस्ट पर क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे कुछ देर प्रोसेस होगा, फिर आपके सामने आपका पर्सनल आईडी जो आपका देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप एक सर्विस मैन है या स्पोर्ट कोटा से हैं या आप नॉट एप्लीकेबल हैं, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल क्लिक करके आपको सबमिट कोटा पे क्लिक करना होगा। जैसे ही कोटा पे क्लिक करेंगे आपका अगला पेज ओपन होकर आ जाएगा, जहाँ पर फ्रेंड्स आपको सेलेक्ट करना होगा आपका कौन से पोस्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो फॉरेस्टर से अप्लाई करना चाहते हैं या फॉरेस्ट गार्ड से अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे जो भी आप यहां पर ले सकते हैं। चलिए मैं फॉरेस्ट गार्ड यहां पर ले लेता हूं। उसके बाद सेलेक्ट पोस्ट टू अप्लाई पर क्लिक करता हूं। जैसे ही क्लिक करूँगा अगला पेज ओपन होकर आ जाएगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए देखिए यहाँ पर आपका जो सेलेक्ट किए हैं वो ऑप्शन आ गया, और यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना होगा। और फ्रेंड्स अगर चाहें तो आप दो पोस्ट भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने दो यहाँ पे ले रखा है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे फॉरेस्टर के फॉरेस्ट गार्ड का। तो सिंपली मैं एक ही से फिल करूँगा, फॉरेस्ट गार्ड से फिल करूँगा। फॉरेस्ट वाला को मैं यहाँ से रिमूव करूँगा, फॉरेस्टर को यहाँ से मैं कर दूँगा रिमूव। और मैं एक ही से फॉर्म अप्लाई करूँगा, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं फॉरेस्ट गार्ड से ही फॉर्म अप्लाई करूँगा। और तो चलिए मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा मेरा अगला पेज ओपन होकर आ जाएगा, जहाँ पे फ्रेंड्स क्लिक कंप्लीट एप्लीकेशन का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। एक्शन के नीचे आपको इसी पे क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे आप जो फिल किया था, देखिए यहाँ पे आपका आईडी, यहाँ पे आपका नाम और यहाँ पे सब चीज़, आपका मोबाइल नंबर, मेल आईडी सब देखने को मिल जाएगा। और सिंपली यहाँ पे आपको सेलेक्ट परमानेंट रेजिडेंटल अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पे क्लिक करके यस या नो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नो कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल जाएगा, सिवान सब चीज़ यहाँ पे। कोटा आपको नॉट एप्लीकेबल है, कोई कोटा मेरे पास नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स फिल करना होंगे, आपका एड्रेस, यहाँ पे पूरा एड्रेस, फुल एड्रेस आपको फिल करके सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं फटाफट अपना एड्रेस फिल करके आगे बढ़ता हूँ। तो फ्रेंड जैसे मैंने बताया उसे सब चीज़ यहाँ पे फिल कर लिया, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखिए मेरा फादर नेम और मदर नेम यहाँ पे फिल करना होगा, जो मैंने भूल गया था। तो चलिए मैं फिल करके आगे आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने फिल कर लिया। और एक बात और आपको बता दूँ फ्रेंड्स, अगर आप फ़ोन में फिल कर रहे हो तो आप सारे ऑप्शन को एक एक करके सही से देखिएगा, यानी नहीं तो आपका ऑप्शन छूट जाएगा, बहुत ही ऑप्शन छूट जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया था, तो अगर आप फ़ोन में फिल कर रहे होंगे मेरे जैसे, तो आप सही से ऑप्शन सारे ऑप्शन को सही से देख कर तब टिक कीजिएगा और आगे क्लिक कीजिएगा। तो मैंने सब चीज़ यहाँ पे फिल कर लिया, सिंपली यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा मेरा ये पेज सेव हो जाएगा और डिक्लेरेशन आ गया। मैं इसको भी क्लिक करके इसको भी सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको आपका फ़ोटो और यहाँ पे सिग्नेचर, उसके बाद यहाँ पे आपका थंब इंप्रेशन अपलोड करना होगा, जो लेफ्ट थंब होगा यहाँ पे देखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको राइट थंब इंप्रेशन, दोनों थंब इंप्रेशन आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद सिंपली अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होंगे। तो चलिए मैं फटाफट, ये सब मेरे पास है, मैं इसको अपलोड करके फिर आगे आपको दिखाता हूँ। तो मैंने फ़ोन से अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे अपलोड वाले ऑप्शन पर करूँगा क्लिक। जैसे मैं अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, देखिए मेरा फ़ोटो सेव हो गया। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करके आप अपना एक सिग्नेचर भी यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड जैसे मैंने आपको बताया सब चीज़ यहाँ पे अपलोड कर लिया और सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पर करूँगा क्लिक। जैसे ही क्लिक करूँगा ये मेरा पेज सेव हो जाएगा और मेरा अगला पेज ओपन होकर आ जाएगा, जहाँ पर फ्रेंड्स मुझे मेरा सेंटर चूज करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कितने सेंटर है, यहाँ पे 15 सेंटर हैं। आपको सारे को फिल करना होगा, चूज करना होगा। तो मैं यहाँ पे सारे एक एक करके यहाँ से मैं चूज कर लेता हूँ अपना। आप भी इसको जहाँ आपको अच्छा लगे वो चूज कर लीजिएगा।
मैं इस सेंटर चूज़ करके फिर आगे आपको फॉर्म फिल करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया, सिंपली ऐड एग्ज़ाम सेंटर को करूँगा क्लिक और यहाँ पे मेरा शो हो जाएगा और सेव एंड कंटिन्यू पर कर लूँगा क्लिक। जैसे ही क्लिक करूँगा अगला पेज ओपन होकर आ जाएगा और यहाँ पे देखिए आप अप्लीकेशन आईडी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और नीचे आते हैं जो जो आप फिल किए थे सब चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप सही से देख लीजिएगा, फ़ोटो अपना, एड्रेस जो भी आप फिल किए थे और सिंपली यहाँ पे अगर आपका सब सही है तो सेव कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। अगर आपका कुछ दिक्कत हो, कुछ गलत हो रहा हो तो यहाँ पे एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। तो मेरा सब सही है, सेव एंड कंटिन्यू पर करूँगा क्लिक। जैसे ही क्लिक करूँगा मेरा जो पेज है सेव हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा। तो चलिए मैं आपके सामने इसको पेमेंट करके दिखाता हूँ। पेमेंट पर करूँगा क्लिक, जैसे ही पेमेंट पर क्लिक करूँगा ये जो मेरा पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे देखिए पेमेंट का ऑप्शन आ गया। आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे क्लिक करके, और जो भी आपका नेट बैंकिंग हो तो नेट बैंकिंग ले सकते हैं। अदर अगर आपके पास अदर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग ले सकते हैं। अदर बैंक मेरे पास डेबिट कार्ड है तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको आपका अपना डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड सारे ऑप्शन जो भी हैं, क्रेडिट कार्ड नंबर और यहाँ पे आपका नाम, उसके बाद यहाँ पे एक्सपायरी डेट या और उसके बाद सीवीवी कोड यहाँ पे फिल करके आपको सिंपली पे नाउ पर करना हो क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो पेमेंट है पे हो जाएगा। और फ्रेंड्स मैं अभी इसको पे नहीं करूँगा, इस फी को आगे बाद में पे करूँगा। तो आपको ऐसे पे करके और अपना जो आपका प्रिंट आउट है फाइनल, वो प्रिंट आउट कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आपको इतना बताना था इस वीडियो में, ये वीडियो आपको कैसा लगा मैं कमेंट बॉक्स में बताएगा। और आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी वैकेंसी के बारे में सबसे पहले अपडेट मैं इसी चैनल पर लाता रहता हूँ।